पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। चंदन के रंग वाले फूल, मैंने सुना था श्री श्री चंदन मुनि जी जिस ओर से गुजरते हैं वहां चंदन के रंग वाले फूल के लुटते हैं, अर्थात फुलवारी देखकर लग रहा है कि श्री श्री चंदन मुनि जी इसी ओर से गुजरे हैं। देवगढ़ के वन में तप कर रहे हैं तो आ गई, और जब कल गीता खोली तो चंदन की खुशबू आई हमारे को मुनि जी, ऐसा प्रतीत हुआ जैसे महं कृष्ण जी ने हमारे को संकेत दिया है कि आपसे आके मिलूं, तो चली आई। आप तो गंगोर तेजस्वी पुण्य आत्मा है, ऐसा है मैं बड़ी समस्या में फंस गई हूँ, बड़ी कठिन समस्या, और हमारे को बहुत बड़ा कार्य सिद्ध करना है मुनि जी, उसके लिए आपका आशीर्वाद और आपकी मदद भी चाहिए हमारे को। रानी सा के अधिकार से नहीं, पत्नी के ओहदे से मदद मांगने आई हूँ आपसे। मुनि जी आप हमारे को सुन पा रहे हैं, इसका कोई संकेत दे दीजिए। राजकुमारी तारा प्रिया, अपने पति और अपने राज्य का भविष्य बदलने की गुहार लेकर आई हो ना हमारे पास। धन्य हो जी मुनि जी, आप तो सच में चमत्कारी है जी। आप चाहती हैं हम ध्रुव और उस बच्ची ढोली के विवाह को किसी विधि से रुकवा दें? जी मुनि जी, आप हमारे कुछ कहने से पहले ही आपने हमारे मन की बात समझ ली। ये पाप को रोकने के लिए हमारे को कोई तो उपाय सुझाइए, मदद कीजिए। तुम्हारा ध्रुव का विवाह तो हो चुका है, फिर उस दूसरी बच्ची से ध्रुव का विवाह कैसे संभव है? हमें आभास हो रहा है कि तुम स्वयं कोई युक्ति लेकर आई हो हमारे पास। ऐसा है चंदन मुनि जी, रिश्ते नाते परिवार वाणी वचन आदेश इन सब में धर्म से बड़ा तो कोई कर्तव्य ही नहीं, इतना तो हमारे को पता है। लेकिन हमारे को ये भी पता है मुनि जी, आपके मुंह से जो भी बात निकले वही धर्म। हमारी इतनी सी विनती है आपसे मुनि जी, यदि आप महल आ जाए और आप ये कह दे कि ध्रुव और ढोली का विवाह अनर्थ होगा, अन्याय होगा, अधर्म होगा, तो महाराज सूर्य प्रताप को भी आपके आगे घुटने टेकने होंगे। जिसके प्रेम के आगे समय और सदी ने घुटने टेक दिए हो उसकी सहायता करना तो हमारा भी धर्म है। समय सदी ने घुटने टेक दिए मतलब माफ करना, पर तुम्हारे को ये समझ ना आया कुछ? पुराना इतिहास है जो तुम भूल चुकी हो, परंतु हमें सब ज्ञात है। तुम बस ये मान लो कि हम तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हैं। निश्चिंत रहो, हम कल तुम्हारे महल पहुंच जाएंगे। अरे बजे मुझे जाने दो, इधर आओ। क्या तू पिताजी, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा? ओ ओ ओ ओ ओ तुम
तुम सपना नहीं हो, मतलब तुम 21वीं सेंचुरी से हो। हाँ तो मुझे तो बिलीव भी नहीं हो रहा। अरे कैसे आए तुम यहाँ पे? क्या बिलीव तो मुझे भी नहीं हो रहा कि मैं यहाँ हिस्ट्री में कैसे आ गई। दरअसल हाँ, यहाँ पर डायनासोर तो नहीं होते ना? उधर हो, देखो मुझे डायनासोर का तो नहीं पता, पर यहाँ पे एक बहुत बड़ा डायनासोर है, पता है? कौन? पहले सूर्य प्रताप सिंह, वो पता है आगरा राजा है, राजा बहुत खतरनाक है भाई, बेटा जी वो बहुत दुष्ट इंसान है। जामिया तुम तो गुड मैन हो ना, तो तुम यहाँ कैसे आए? मैं तो गुड मैन। टेल टेल। ये तुम दोनों पे है, तुम्हारे रिश्ते पे है, नवरंग वन का श्राप। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था तो मैं रुक गया। ये ऐसा होता रहता है जब जब मैं याद करने की कोशिश करता हूँ ना, तो मैं नवरंग वन जानता हूँ और जो खो गया बस। तो तुम तो नहीं आई हो ना, तो तुम्हें तो रास्ता पता होगा, तो तुम ना मुझे ना फटाफट बता दो, तो मैं तारा तुम मीनाक्षी जी हम सब लोग फटाफट 21वीं सेंचुरी में चला जाएंगे। चलो चलो चलो, क्या हुआ बताओ। रास्ता मुझे पता होता तो मैं खुद कब की निकल नहीं गई होती यहाँ से। बुद्धू तुम यहाँ कैसे पहुंची? मेरा एक मैच था। कौन सा मैच? कबड्डी का। वाओ, तुम कबड्डी खेलती हो? हाँ, मैं इंटरस्टेट लेवल कबड्डी टूर्नामेंट का मैच ही खेलने जा रही थी और पता नहीं कैसे रास्ता भटक गई। सर भटकते भटकते मैं खोती गई। अरे बस, तुम ऑलरेडी खो चुकी हो। फिर एक अजीब सी जगह पर पहुंची, जंगल में। जंगल? एक गुफा के पास। गुफा? फिर मेरा भी मन किया क्या कि मैं अंदर जाके देखूं। फिर जोर से बिजली कड़की और एक स्ट्रॉन्ग पावर ने मुझे फटाक से अंदर पुल कर लिया और मैं यहाँ आ गई, पता नहीं कैसे। फिर क्या हुआ? इधर उधर घूमते घूमते मैं एक मंदिर पहुंची, तो वहां ना फ्री का खाना मिल रहा था, तो मैं भी चली गई लेने। हाँ, फिर फ्री का खाना लेने चली गई। फिर तो वहाँ के विलेजर्स ने मेरा नाम पूछा, तो मैंने बता दिया कि मेरा नाम डॉली है। ये कैसा नाम है डॉली? डॉली नहीं अंकल, डॉली। मैं समझ गया हूँ, ये क्या चाहती है? इसका नाम डॉली है, ये डॉली मांग रही है, मतलब शादी करना चाहती है। नो अंकल, नो शादी। शादी करानी पड़ेगी। मैं जो भी बोल रही थी वो लोग सब रॉन्ग ही समझ रहे थे। तुम्हारा नाम डॉली नहीं, डॉली है। फिर मुझे बिचारी समझकर मेरी शादी फिक्स कर दी वो लोगों ने। अरे फिर तुमने उनको बोला नहीं कि तुम तो यहाँ की नहीं हो? तुम यहाँ इंग्लिश में बोलते हो तो यहाँ के लोग समझते हैं? उनको कुछ नहीं समझ रहा था। मैं भी वहाँ जो बोल रही थी किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ आकर फंस गई मैं। क्या सीक्रेट है? सीक्रेट समझ गया ना? क्या सीक्रेट? एक तो छोटी सी 12 इयर्स की नन्ही मुन्नी सी बच्ची हूँ मैं, जिसकी जबरदस्ती शादी करवाई जा रही है। अब शादी का टेंशन लो या इस सीक्रेट का?
ऐसा लग रहा है रानी सा चुपके से किसी विशेष कार्य के लिए महल से बाहर गई थी मांड, पर कहां? चिंता का विषय है ये। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।